तो सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग का टाइम हो गया 7 और यहाँ सूरज निकल आया है। और आज की रात बड़ी कातिल है भाई। आज बाल बाल बच गए। देखो हमारा ये कैंप लगा था, ठीक है, ये हमारा कैंप लगा था। यहाँ पे बाघ और कुत्ते दोनों लड़ रहे थे और मैं इतना डर गया ना भाई, पूछो नहीं। मैं मुझे मेरे साथ पता है कि मैं कल भी इतना डर गया, आज भी डर गया। मैं यहाँ पे लेटा था इसके अंदर और ये बाघ और कुत्ते यहाँ पे लड़ रहे थे। और रात की बात वही हुई, 12 से 1 बजा होगा। और कुत्ते को इतना जख्मी कर दिया उसने, अगर कुत्ते की अगर गर्दन पकड़ में आ जाती ना तो कुत्ता चला जाता बेचारा। अब मैं कुत्ता के पास लेके चलता हूँ आपको, देखो उस बेचारे का क्या हाल कर दिया इस तेंदुए ने। देखो ये खून लगा है, इतना खून इसका बेचारे का बह गया है। देखो ये चोट लग गई ये वाले, देखो भाई। या देखो इसके पंजे, देखो पहले चोट लग गई बेटा। या देखे देखे इसके टीप लगाना पड़ेगा है। देखो इतना चोट इसके, इसमें अगर इसका गर्दन पकड़ में आ गया होता ना तो भाई कुत्ता आज रात में हमारा कुत्ता शिकार उसका बन जाता और यहाँ रखवाली करता है और इन्हें कुत्ता दूसरा लाना पड़ता है। देखो इतना खून निकल रहा है भाई, इतना यार बहुत, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ इसका खून। देखो ये पूरा पंजा है ना, ये पूरा उसका काट दिया इसने। रात की लड़ाई हो रही थी, मैंने कहा यार मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो मुझे भी डाला वो हला देगा, तभी मैं नहीं गया। मैं बहुत डर गया था रात में भाई। तो अब तो मैं तुंगनाथ जा रहा हूँ चौपता ऊपर, और रात में आज फिर आने वाला है। आज रात में मैं डंडा लेके रखूँगा उसके लिए, तलवार जो कि मेरे पास है। मैं इसलिए नहीं आया रात में, कहीं अगर मैं आता तो मेरे पे हमले कर देता वो। वैसे कुत्ता यहीं पे लड़ रहा था सामने, यहीं पे, यहाँ पे दोनों लड़ रहे थे। फिर इसके लाइट लगाई तब वो भागा। और यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई यहाँ से यहाँ तक हो रही थी दोनों की। तो दोस्तों अब तो हम जा रहे हैं तुंगनाथ, तो चलते हैं, बने रह गए पूरे वीडियो में, लास्ट तक चलते हैं तुंगनाथ। तो है गाइज, हम आज चढ़ाई कर रहे हैं तुंगनाथ टेम्पल, जो कि 5 किलोमीटर। कहाँ तक बर्फ है भाई? बर्फ तो आगे आगे, यहाँ तक नहीं है। नहीं, भारत माता की जय। तो ये बर्फ ही बर्फ दिख रही है यार। हमने अभी 1 किलोमीटर की चढ़ाई कर पाई है और 4-5 किलोमीटर की भी चढ़ाई और बाकी है, अभी तो चढ़ ही रहे हैं। वैसे मैं सोच रहा था आज रात में कैंप लगाने के लिए यहीं, लेकिन यार जानवर जो बहुत लगते हैं तो कैंप तो यहाँ लगा नहीं पाएंगे। तो है गाइज, अभी मेरी ट्रैकिंग हुई है 3 किलोमीटर, भी 2 किलोमीटर बाकी है। और देख रहे हो बर्फ़ अभी से मिलना स्टार्ट हो गई है। और ये तो पूरा ग्लेशियर ही बर्फ़ का है, टोटल हिमालय ही हिमालय ही। इधर इधर तो केदारनाथ है, वही दिख नहीं रहा। और चढ़ाई तो बहुत हो गई है यहाँ पे, बर्फ़ देख रहे भाई, बर्फ़ तो बहुत अच्छी है यार। अभी तो ऊपर चढ़ रहे हैं, अभी बहुत ऊंचे जाना है। देखो वो लोग वहाँ से, अरे वहाँ से वहाँ हमें जाना है। तो भाई चलते जा रहे हैं धीरे धीरे, देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं। वैसे चंद्रशिला तक मैं 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा, इतना पता है। तो है गाइज, फाइनली हम तुंगनाथ पहुँचने वाले हैं और यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर रह गया तुंगनाथ। और बर्फ़ स्टार्ट हो गई है, देख रहे हो बर्फ़ ही बर्फ़ है अब तो, आगे तो बर्फ़ ही मिलने वाली है। ये पूरा ग्लेशियर है बर्फ़ का।
भाई ये क्या है? ओ भाई ये देखो मजा आ रहा है, मजा आने वाला है। यहाँ तो बर्फ ही बर्फ है। तो अभी तो बर्फ पिघल रही है ना, बर्फ पिघल रही है, पानी तो ऊपर भी मिल जाएगा। वैसे अभी हम आए थे लगभग 25-30 दिन पहले आए थे, तो वहां से ना ये जो पेड़ है ना कुछ नहीं चमक रहा, सब बर्फ ही बर्फ थी टोटल। दिसंबर में आए तो नहीं, एक मंथ पहले, एक मंथ पहले भी। हाँ पूरा ये ना यहाँ से मैंने चढ़ाई किया था, यहाँ से कब भी होते हैं? नहीं अभी एक मंथ पहले बहुत हो रहा था। अभी मैंने चढ़ाई की था, यहाँ से बर्फ थी वहाँ तक सब बर्फ ही बर्फ थी। अभी भी नाइट तो गिरते हैं ना, नाइट कोई पता नहीं, कोई पता नहीं कब बादल निकल जाए, कब होने लगे। वैसे पता है गर्मी होने लगी तो बर्फ कम गिरती है। यहाँ मैं दूसरी बार आया, बहुत पहले मैं आया था ना, तो यहाँ पे हम चल रहे हैं ना, यहाँ पे सब बर्फ थी इतनी यहाँ तक। हाँ वैसे उस पहाड़ पे मुझे जाना है, पता नहीं वहाँ सरकार जाने देगी कि नहीं जाने देगी। ये कोई बात नहीं, नेपाल चलते हैं हम जो भाई पानी पी लेता हूँ यार, इतना देखो प्यारा पानी निकल रहा है विदाउट मनी वाला। ठंडा बहुत होगा ना? हाँ यार चलो, अभी तो बहुत चढ़ाई करनी है। हमने अब ट्रैकिंग कर पाई है 4 किलोमीटर, अभी हमें 1 किलोमीटर और चढ़ना है ऊपर। और ये पीछे देख रहे हो, जब हम आए थे ना पहले तो ये पूरा पहाड़ पे ही नीचे तक बर्फ थी टोटल, जो कि अब गर्मी पड़ रही है तो बर्फ कम हो गई है और ऊपर बर्फ है जहाँ दिख रहा वाइट। ये पहाड़ बहुत ऊंचा है भाई, केदारनाथ तो इससे छोटा है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इधर साइड में बहुत बर्फ हो रही है, देख रहे हो। मुझे अब चढ़ाई करनी है ऊपर 1 किलोमीटर की, और उसके बाद मुझे तुंगनाथ जो कि महाकालेश्वर का मंदिर मिलेगा। चढ़ते चढ़ते यार पसीना निकल गया और ऊपर ठंडी बहुत हो रही है, पूरा बर्फ से ढका हुआ था पहले ना। 25 तारीख को तभी तो गुफा खुलेगी। हाँ तुंगनाथ मंदिर तो आ गया है ना। सो गाइज चलो चलते हैं।